हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एबीवीपी ने ज्ञापन सौंप स्नातक अंतिम वर्ष कोटा ओपन विद्यार्थियों का परिणाम जारी करने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़मेर के कार्यकर्ताओं द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा स्नातक अंतिम वर्ष विज्ञान व कला संकाय का परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर कार्यवाहक जिला कलेक्टर मोहनदान रत्नो को कुलपति महोदय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रांत सह मंत्री भोम सिंह सुंदरा ने कहा कि VMOU अंतिम वर्ष का परिणाम जारी न करने के कारण PTIT काउंसलिंग के लिए चयनित हजारों विद्यार्थी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में जाता दिख रहा है। नगर मंत्री जुजार सिंह परमार ने कहा कि पिछले साल भी देरी से जारी हुआ था परिणाम, जो हजारों विद्यार्थियों का पूरा साल बर्बाद हो गया। PTET काउंसलिंग से शामिल नहीं हो सके थे। जल्दी से अंतिम वर्ष की अंक तालिका जारी करें। कॉलेज आवंटन के बाद कॉलेज दस्तावेज सत्यापन के लिए BA BSc अंतिम वर्ष अंक तालिका की जरूरत पड़ती है। छात्र भोम सिंह नोडियाला ने कहा कि कड़ी मेहनत कर PTET की परीक्षा पास की है और प्रथम चरण में पसंदीदा कॉलेज आवंटित हो गए, लेकिन स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम अंक तालिका प्राप्त नहीं होने से BEd करने के लिए वंचित रह गए हैं, जो शिक्षक बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। साथ साथ विवि देरी से परिणाम जारी करने के बावजूद कई बार परिणाम में त्रांक नंबर नहीं जोड़ा जाता है, ऐसे में अधूरा परिणाम जारी कर दिया जाता है। अंक तालिका कोई काम नहीं आती है। इस दौरान मनोहर चारण भादरेश, भोम सिंह नोडियाला, विक्रम सिंह जयसिंदर, आरती अग्रवाल, दिनेश पाल सिंह नोडियाला, गौतम प्रजापत, दशरथ सिंह मयाजलार, प्रवीण गौड़, जोगराज सिंह, महेश चंदन, नेपाल सिंह चौहान, गणपत राजपुरोहित, जनक सिंह, मोहित कल्याण सिंह, महेंद्र सिंह फलसुन आदि उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम इकबाल की रिपोर्ट।